हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होती है और उसकी SI यूनिट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो पहले हम करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? देखो, यूनिफॉर्म का मीनिंग ही क्या होता है, अभी जिसमें क्या हो, सेम सेम चेंजमेंट आए। ओके, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने सीखा था, यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होती क्या है। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है और वो चेंजमेंट कितने टाइम में आया, उन दोनों की रेशो ही क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो इक्वली आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्वल अमाउंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है वो इक्वली आए। ठीक है, किसके साथ? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि एक मूविंग बॉडी है, उसकी इनिशियल पोजीशन ए है। ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है, तो क्या है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ पे पहुँच गया है? बी पे। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी है। फर्स्ट इंटरवल टाइम है जो 1 सेकंड लिया उसने, कि ए से बी तक जाने में किसी भी मूविंग बॉडी ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, सेकंड फिर बी से वो सी के ऊपर गई है मूविंग बॉडी, तो तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन टाइम उतना ही था। ठीक है, सी से डी के ऊपर गई है, टाइम तो सेम उतना ही है, लेकिन फिर उसकी स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड है। तो देखो, मैं क्या बोलूँ कि ये इक्वली डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस के उसमें देखो, मान लो कि ये इक्वल डिस्टेंस है 2 मीटर का। ठीक है, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं, इसमें मेनली रोल है चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, तो देखो, जब ए से बी पे गया है तब तो टाइम तो उसने सेम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मान लो कि 2 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट ने क्या है, 1 सेकंड का टाइम लिया, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ, उसने ये जल्दी कवर कर लिया क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीमेंट हो गई है, फर्स्ट केस है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। ठीक है, सेकंड में क्या किया कि जो ये डिस्टेंस था, उसने ये डिस्टेंस क्या है, जल्दी कवर कर लिया क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है 10 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट में क्या, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 15 मीटर पर सेकंड से। तो इससे हमें क्या मिला कि देखो, इसमें क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी 5 से 10 पे, 10 से 15 पे। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज विद इक्वली टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम तो इक्वल था हर इंटरवल का, क्योंकि फर्स्ट में भी 1 सेकंड है, सेकंड में भी 1 सेकंड और थर्ड में भी 1 सेकंड है। ठीक है, तो कितना इंक्रीजिंग आया, देखो 5 से 10 पे गया, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, वो 5 से 10 पे गई, तो कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट में फिर 5 का हुआ, तो देखो इक्वली इंक्रीज हो रही है ना भी, 5 से इंक्रीज हो रही है, तो नहीं कि यहाँ 5 से इंक्रीज हुई वेलोसिटी आगे 10 से, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट इक्वली हो रहा है, देखो 5 से 10 पे गई तब भी 5 का डिफरेंस है, 10 से 15 पे गया तब भी 5 का डिफरेंस है, तो क्या है, इक्वली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो इसका मैं अब आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, क्योंकि देखो हमने सीखा था अभी जो वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है ये वाला, देखो इसमें क्या लेना है, एक वाई एक्सिस लेनी है, एक एक्स एक्सिस लेनी है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते करेंगे वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम। ठीक है, देखो टाइम क्या है, 1 सेकंड का, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो टाइम तो 1 सेकंड का, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 से 10, 10 से 15, तो इसके हम इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने डाला 5, 10, 15, 20। ठीक है, 5 के गैप से, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, टाइम तो 1 सेकंड का था, तो 1, 2, 3, 4 सेकंड ही हमने यहाँ डाल दिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था भाई, 1 सेकंड के साथ
जैसे कि मैं ये डायग्राम आप इसमें देख रहे हैं ना, पहले मैं आपको समझा दूं कि जो हमारी वेलोसिटी वो इंक्रीज हुई है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड और फिर 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम वही 1 1 सेकंड का था तीनों केस में। तो मैंने क्या बोला है, एक लेनी है वाई एक्सिस, एक लेनी है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करोगे वेलोसिटी को जो वी से बताया मैंने, और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे हम टाइम को। ठीक है, तो वाई पे क्या लेना है, अभी जो इंक्रीमेंट हो रहा है 5 से 10, 10 से 15 इतना हो रहा है वेलोसिटी में, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 10, 15, 20 ये हमने दिखा दिया। नीचे लेना है टाइम 1 सेकंड का, देखो 1 और 1 2, यहाँ लेंगे 2 सेकंड, आगे लेंगे 3 सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में क्या है, अभी 1 सेकंड टाइम है और वेलोसिटी है 5, तो 1 से 5 को मिलाएंगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड है 10, वेलोसिटी और 1 सेकंड, देखो इससे आगे 1, क्योंकि 1 से 2 पे जाएंगे तो इनका गैप 1 का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मत देखना, ये देखो आप वहाँ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 1 है तो टोटल तो 2 होगा, 1 ये 1 ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का देखोगे आप तो 2 सेकंड से कहाँ पे है 10 पे है, ऐसे ही 3 से कहाँ पे है 15 पे है। ठीक है, ये दे रखा है अभी। अब देखो जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगी, कि स्केल से आप करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे टाइम इक्वली रहेगा तो जो चेंजिंग आती है वेलोसिटी में वो इक्वली इंक्रीमेंट, ये इंक्रीजिंग का है, वेलोसिटी इंक्रीज विद इक्वल टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम, ये है उसका डायग्राम जो मैंने यहाँ दिखाया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले केस में क्या लेना है, जो फर्स्ट केस है 1 सेकंड से 5 पे था तो ये मिला है हमने, फिर 2 सेकंड 10 और 3 सेकंड 15। ठीक है, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसको बता रही है, हमारी एक्सेलरेशन को बता रही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे वेलोसिटी डिक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन सेम टाइम। ठीक है, देखो पीछे तो मैंने अब करवाया था कि कैसे इक्वली इंक्रीज होती है वेलोसिटी, अब मैं करवाऊंगी डिक्रीज वेलोसिटी का केस। ठीक है, कि वेलोसिटी में डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी कम होती तो वो भी इक्वली अमाउंट में होगी इन इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही ग्राफ बनाया मैंने, एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट है ए पे, उसने क्या किया 1 सेकंड में उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यह डिक्रीजिंग का है। ठीक है, तो 30 थी तो इसका मीनिंग क्या है, नेक्स्ट इंटरवल में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो 10 के डिफरेंस से वो 20 मीटर पर सेकंड हुई है यहाँ आके, लेकिन डी पे आके वो 10 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी, बट टाइम तीनों में सेम था। ठीक है, तो क्या है यहाँ से देखो, 30 से 20 पे गई तो कितना डिक्रीमेंट आया है 10 का, 20 से 10 पे गई तो तब भी कितना डिक्रीमेंट आया है 10 का, देखो तो इक्वली डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी में इंक्रीजिंग और डिक्रीमेंट आता है वो इक्वली अमाउंट में आता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये केस है हमारा डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, 30 से 20 पे 20 से 10 पे, तो तीनों में क्या है 10 10 का डिफरेंस है, तो इसको भी हम ग्राफ से देखेंगे कि ये कैसे आएगा डिक्रीजिंग में। ठीक है, तो देखो एक तो इसमें वाई एक्सिस लेंगे, ये एक होती है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दिखाना होता है टाइम, वाई एक्सिस पे दिखानी होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या था हमारी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, देखो वेलोसिटी क्या क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, ये है। ठीक है, और टाइम 1 1 1 सेकंड, ये टाइम दे रखा है। अब देखो इसमें क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे जो वाई एक्सिस, यहाँ पे हम नंबरिंग डालेंगे 10 20 30 40 अप टू 50, ऐसे डालते जाएंगे, और नीचे जो एक्स एक्सिस यहाँ पे डालेंगे हम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो 1 सेकंड पे है 30। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड से 30 हमने मिलाया तो यहाँ पे ये डार्क कर दिया। ठीक है, सेकंड में क्या होगी 1 और 1 2 सेकंड होगी 20 मीटर पर सेकंड, तो 2 से आएगा 20 पे, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। फिर अब 1 सेकंड से 30 मीनिंग क्या आया 3 सेकंड पे 10 आएगा, ये 3 सेकंड है, ये 10 के, तो ये डार्क कर दिया, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है,
बट एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस था उसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे अपवर्ड आ रही थी, इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना इक्वल अमाउंट में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका होगा, हमारा वेलोसिटी डिक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अब मैं आपको करवाऊंगा, देखो जो ये होती है ना डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिटार्डेशन, जिसे मैं आप ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करवाने के बाद आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वही वेलोसिटी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कि वेलोसिटी में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीमेंट आएगा वो अनइक्वली होगा, भी इक्वली ना तो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी और ना इक्वल अमाउंट में डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो अनइक्वल अमाउंट में होगी, बट उसका टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो तभी हम क्या बोलेंगे, देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखो इसका भी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे देखो क्या है, इसमें इक्वली ना तो इंक्रीज होगी वेलोसिटी ना डिक्रीज होगी, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे ये तो मैंने इंक्रीजिंग का दिखा रखा, तो आप डायरेक्ट दोनों का भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, देखो ए से बी पे गया, कोई भी मूविंग बॉडी ए से बी पे गई, टाइम तो वही सेम रहेगा हर सिचुएशन में, तो तब तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट में क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, जब सी पे पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा तो 30 मीटर पर सेकंड है। देखो 10 से कैसे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, 10 से 15, 15 से 30। अब देखो इन दोनों का बीच का गैप तो 5 है, आगे क्या है 15 है, तो ये तो सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसका मैं अब आपको ग्राफ बताऊं क्या होगा, देखो इसमें क्या लेना है, एक वाई एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिखानी है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाना है, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है वही 1 सेकंड से, 15 मीटर पर वेलोसिटी है वही 2 सेकंड पे, मतलब 1 सेकंड है वैसे 2 होगा, 30 पे 3 सेकंड लेंगे हम, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड पे कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट में क्या है कि 2 पे क्या होगी, 15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 सेकंड होगी वहाँ पे आएगी 15, ठीक है, ये होगी। इससे आगे क्या है, अभी 3 पे होगी 30, 30 हमारी यहाँ है, ये यहाँ है। अगर मैं इसी में आगे दिखाऊं, मान लो कि 4 सेकंड पे होगी 60, 4 सेकंड पे होगी 60, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये कर्व्ड शेप में बनेगा क्योंकि ऐसे ऐसे कवरिंग, देखो ये तो केस हुआ है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वली अमाउंट में नहीं हो रही। अगर मैं डिक्रीजिंग का दिखाऊं भी, नेक्स्ट में डिक्रीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आया था 30, 30 से वो डिक्रीज होके आ गई है किसके ऊपर, 20 पे, ठीक है। नेक्स्ट में आई जब डी से वो ई पे जाएगा तो 20 पे आएगी, तो 5 सेकंड पे आप 20 दिखाओगे, तो ये होगा। तो ऐसे होके ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा, ये कर्व्ड शेप में ग्राफ बनेगा, जिसमें मैंने दोनों केस दिखा दिया, अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म में कि अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मैं एक बार फिर इस डायग्राम को आपको बताऊं कि जैसे कि ये एग्जांपल लेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है, दोनों केस दिखाऊंगी मैं। ए से बी पे गया तब तो वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर डी पे आया, फिर वो डिक्रीज होके 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई। फिर डी पे गया तब वो इंक्रीज होगी, मान लो तब होगी वो 25 मीटर पर सेकंड, फिर डिक्रीज होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि मैं दोनों केस दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ, जैसे ग्राफ में हम क्या लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, ये ले लिया हमने, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नीचे वही 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। देखो 1 सेकंड पे क्या है, 30 है,
सेकंड पे है 30, तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। 2 सेकंड पे है 10, 2 सेकंड पे है 10, तो यहाँ आएगा। फिर है 3 सेकंड पे कितना है 25, 3 सेकंड पे होगा 25, तो यहाँ आएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट में क्या है 5, 4 पे क्या है 5, तो यहाँ आएगा। देखो पहले ये था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो पहले ये डिक्रीजिंग का था, 30 से 10 पे आया तो डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे दिखेगा ऐसे डिक्रीमेंट का। फिर ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से इंक्रीजिंग का आ गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कर्व ये दिखा रही है डिक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग के लिए, ये फिर डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है वेलोसिटी की और एग्जाम के अंदर ये पूछ ले कि इसका ग्राफ ड्रा करो, तो वो ग्राफ आप ऐसे ड्रा करोगे, ठीक है। जो फर्स्ट में दे रखा है वो करोगे, उसको फिर जो नेक्स्ट में वैल्यू उसको उससे मिलाना है, फिर थर्ड वाली वैल्यू से, फिर नेक्स्ट में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर करो ऐसे आ रही तो डिक्रीजिंग को दिखाती है, अगर ऐसे आ रही तो इंक्रीजिंग को दिखाएगी, ऐसे आ रही तो फिर डिक्रीजिंग को दिखाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। अब देखो मैंने ये बताया था कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सलरेशन होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होती है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी डिक्रीज विद टाइम ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, देन द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, अभी जो मैंने आपको डिक्रीजिंग वेलोसिटी का केस करवाया था, जो ये वाला था ये ग्राफ, तो देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सलेशन बोलेंगे, और नेगेटिव एक्सलेशन क्या कहलाती है, रिटार्डेशन कहलाती है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देन द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी नेगेटिव, नेगेटिव एक्सलेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ए से, ठीक है। जैसे कि ये वही ये वेलोसिटी का केस, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड में है तो इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस एक्सलेशन, और नेगेटिव एक्सलेशन क्या होती है, रिटार्डेशन। अब देखो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो रिटार्डेशन होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो रिटार्डेशन की भी एसआई यूनिट सेम होती है जो एक्सलेशन की होती है, ठीक है। एक्सलेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो कैसे निकाली ये हमने, कि एक्सलेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सलेशन होती है हमारी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसके इक्वल होती है। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो हम इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ऐसे हम एक्सलेशन की एसआई यूनिट निकालते हैं, तो एक्सलेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो रिटार्डेशन की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये हमने कैसे निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।